हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चॉकलेट्स एंड मोर विद श्रुति। आज इस वीडियो में मैं आपको सांथाल ट्राइबल आर्ट के बारे में बताऊंगी और वो कैसे उसको पेंट करना है उसके बारे में बताऊंगी। बेसिकली ये जो आर्ट है ये झारखंड के ट्राइब्स सांथाल ट्राइब की फोक आर्ट है और ये लोग वहाँ अपने घरों की दीवार पे और सब जगह ये सब बनाते हैं। ज़्यादातर इनकी पेंटिंग्स में डांसिंग फिगर्स होती हैं, डांस करते हुए फिगर्स दिखती हैं और इंस्ट्रूमेंट्स बहुत शो होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जो डांस के दौरान, वो भी दिखाए जाते हैं। तो ये मैंने पेंटिंग, मैंने इसमें कैनवस बोर्ड पे, ये मेरा छोटा कैनवस बोर्ड है 6x8 का है और इस पर मैंने एक ड्राइंग बना दी है। ये मैंने फ्री हैंड ड्राइंग बनाई है, आप चाहें तो ट्रेस कर सकते हैं और इसमें ये डांसिंग फिगर बनी है। कलर्स मैं यूज़ करूँगी, थोड़े फैब्रिक कलर्स भी यूज़ कर सकती हूँ शेड के अकॉर्डिंग और एक्रेलिक कलर्स यूज़ करूँगी। ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया है तो आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ सकती है प्लस ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन लाइन्स भी हैं तो इसमें पतले ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी और अंदर कलर भरने के लिए भी मोटे ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा पानी अपने साथ रखिए और एक कॉटन का कपड़ा जिससे कि आप ब्रशेस धो सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं इस लेडी के फेस पे और बॉडी पे ग्रे कलर करूँगी, ग्रे कलर से इसको कलर भरूँगी। और इसके लिए मैंने आउटलाइनिंग के लिए मैंने 0 नंबर ब्रश लिया है, ब्लैक कलर थोड़ा सा और व्हाइट मिला करके मैंने ग्रे कलर बनाया है। ऐसे ही मैं इसके हाथ, थोड़ा सा कमर का हिस्सा और पैर भी कलर कर लूंगी। तो मैंने इस लेडी की बॉडी को कलर कर लिया है ग्रे से और मैंने इनका हेयर ब्लैक से कर लिया है और अब मैं जो ये वाली फिगर है इसमें मैं ब्राउन कलर से करूंगी। तो ब्राउन कलर अगर आपके पास है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो रेड में थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक मिला करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाली फिगर की जो बॉडी है इसको मैं ब्राउन कलर से करूँगी। मेरे पास फैब्रिक्रिल का फैब्रिक कलर है इंडियन रेड करके, ये काफ़ी कुछ ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर से मिलता जुलता है तो मैं ये यूज़ करूँगी। और अगेन वही, आपके पास अगर पतला ब्रश है और इसको कलर करेंगे। सांथाल ट्राइब को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो कहीं कहीं पे ये कालीघाट पेंटिंग भी कहलाती है। एक
एक आर्टिस्ट थे जामिनी रॉय, उनकी कुछ पेंटिंग्स भी सांथाल ट्राइबल आर्ट से इंस्पायर्ड है। हो सकता है जब ये कलर ड्राई हो तो इसमें एक कोट और करना पड़े, तो जब ये बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाए उसके ऊपर फिर आप डबल कोट कर सकते हैं। मैंने इस फिगर में भी ब्राउन कलर कर लिया है और ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे बने हैं ढोलक जैसे, इनको भी मैं कलर कर रही हूँ। और इसमें भी मैंने दो जो हैं उनको मैंने ग्रे कलर से किया है और नीचे के जो दो हैं इनको मैं ब्राउन कलर से करूँगी। और अब इसकी आउटलाइनिंग मैं करूँगी ब्लैक कलर से। जो फिगर्स के जो कपड़े हैं अब उनमें उनको कलर करूँगी, तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि ये बहुत डार्क पेंटिंग है, उसका बैकग्राउंड भी ब्राउन है, तो मैं इनके कलर, इनके कपड़े जो हैं वो थोड़ा सा लाइटर शेड में रखूँगी। तो अगर आपके पास येलो या रेड या लेमन येलो इस टाइप का कोई कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ये सब बहुत अच्छे जाएंगे कॉन्ट्रास्ट में, तो ये वाले कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये देखिए मैंने फिगर्स को के कपड़ों को भी कलर कर लिया है। अभी मैं सिर्फ कलर भर रही हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सैप ग्रीन और लाइट ग्रीन मिला करके मैंने ये कलर बनाया, हल्का सा शेडेड, और ये है लेमन येलो कलर। और अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर करूँगी। बैकग्राउंड के लिए मैं नॉर्मली ब्राउन कलर ही यूज़ होता है, बट मैं इसका थोड़ा डिफरेंट शेड यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने यूज़ किया था इंडियन रेड, और ये वाला है बर्न्ट सियना, ये भी फैब्रिक कलर है पिडिलाइट का। तो मैं ये यूज़ करूँगी बैकग्राउंड के लिए और बैकग्राउंड को थोड़ा टेक्स्चर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं आउटलाइनिंग करूँगी। ये मैंने इसका बैकग्राउंड भी कर लिया है, इसका बैकग्राउंड पूरा कर लिया है, और बस अब मेरा आउटलाइनिंग का काम रह गया है। और अब मैं इसमें ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करूंगी और फिनिशिंग, कुछ थोड़ा बहुत फिनिशिंग दूंगी इसमें, फिर ये रेडी हो जाएगा। फाइनल आउटकम है, मैंने इसमें आउटलाइनिंग दे दी है और बॉर्डर थोड़ा सा कर दिया है, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल स्ट्रोक्स दे करके मैंने इसका बॉर्डर बनाया है, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। उम्मीद है आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। इसमें थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन इसका आउटकम ठीक ठाक आ गया है, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।